कुछ लोग जो है स्टूडियो का और स्टूडियो के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने ये वीडियो क्लिप देखी है, मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान कौन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हैं भोजपुरी के मशहूर संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा या भोजपुरी एल्बम म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा और इनको नहीं जानता होगा। दोस्तों, ये लाइव आए थे और लाइव आके इन्होंने एक खुलासा किया है कि इनके स्टूडियो के नाम पे, जैसा कि इनके स्टूडियो का नाम है नटराज स्टूडियो, और इन्होंने खुद बताया है और सबको ज़्यादातर पता है कि इसकी दो ब्रांच है। मेन ब्रांच जो है वो है वाराणसी यानी कि बनारस में, और दूसरी ब्रांच जो की है वो मुंबई में गोरेगांव में। नटराज स्टूडियो की सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांच है, एक मुंबई एक बनारस। तो दोस्तों, इन्होंने खुद बताया है और कहा है कि इनके स्टूडियो के नाम पे कुछ लोग और जो है कि स्टूडियो खोल लिया है सेम नाम से, और जो सिंगर आते हैं उनका अच्छा काम नहीं करते हैं तो बाद में कंप्लेन इनके पास जाती है कि भैया आपके स्टूडियो हम गए थे, हमारा अच्छा काम नहीं किया, हमसे पैसे ले लिया गया। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप कहीं जाएं तो कंफर्म करें कि नटराज स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में आप गए हैं वो मेरा ही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने पटना में भी नटराज स्टूडियो के नाम से शायद खोल रखा है, जैसा कि लाइव में आशीष वर्मा जी ने कहा है। काफ़ी दिन से कुछ फोन आ रहे थे कि हमने नटराज स्टूडियो में काम कराया और काम गड़बड़ मिल गया, तो पता चला कि कहीं पटना का ब्रांच तो कहीं कहीं का ब्रांच। आप अगर ऐसी जगहों में जाएंगे, आपके साथ अगर काम सही नहीं होगा तो आप फिर उन्हें कॉल ना करके परेशान करें, क्योंकि उनका जो प्रॉपर स्टूडियो है, उन्होंने लाइव में दो तीन बार यही बात बोली। नटराज स्टूडियो की सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांच है, एक मुंबई एक बनारस। तो दोस्तों, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिक ट्रैक बनवाने के लिए जाते हैं नटराज स्टूडियो के नाम से, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टूडियो आशीष वर्मा जी का ही हो, तो आप लोग केयरफुल रहें, अपने पैसे की देखभाल करें, क्योंकि आजकल भोजपुरी में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। काम तो आता नहीं है सही तरीके से सबको, स्टूडियो तो खोल लेते हैं, उन्हें ट्रैक बनाना आता नहीं है, बाहर से ट्रैक बनवाते हैं और नए सिंगरों को मिसगाइड करते हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो जितने नए स्टूडियो इनको काम करना नहीं आता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे स्टूडियो भी हैं, बहुत बढ़िया भी स्टूडियो हैं, लेकिन कुछ स्टूडियो ऐसे हैं जो कि काम करना आता नहीं, बाहर से ट्रैक बनवाते हैं, सिंगरों का पैसा खाई लूटते हैं। लेकिन यकीनन गारंटी दे रहा हूँ, इनका काम सिर्फ नए सिंगरों से ही है और ये नए सिंगरों को ही लूटते हैं बेचारों को। बहुत जल्दी स्टूडियो भी बंद हो जाएगा, लेकिन दुख ये है कि जो नए सिंगर बेचारे आते हैं उनके सपने टूट जाते हैं और भोजपुरी संगीत को गाली दी जाती है। वो सिंगर ऑटोमेटिक उसका पैसा लूटा जाएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी संगीत को गाली देगा ही देगा। तो दोस्तों, आप लोग केयरफुल रहें, जैसा कि आशीष वर्मा जी ने बोला है, आप लोग जब जाएं तो आश्वस्त हो जाएं कि नटराज स्टूडियो जो है आशीष वर्मा जी का ही है कि नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई गरीब सिंगर, या गरीब ना भी हो, कोई भी सिंगर हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पैसा किसी का नहीं लूटना चाहिए, किसी का नहीं ठगा जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उसके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। धन्यवाद। कहीं भी जा करके नटराज के नाम पे आप पैसे ना दें।